Hello and welcome everyone. This is Ritesh, and in this video we will going to discuss the basic difference between database and database management system. Definition की बात करें तो database is a collection of connected information about people, location or things. Database is nothing but क्या collection होता है, कोई भी data का collection को हम लोग database बोलते हैं. But in case of database management system, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं इन आर डेटाबेस. स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर में बिसाइड्स कंप्यूटर डेटाबेस कैन इवन बी मेंटेन इन फिजिकल लेजर्स, बुक्स और पेपर. कंप्यूटर में हम लोग तो डेटाबेस को डेटा को रिकॉर्ड करते ही हैं, बट आफ्टर कंप्यूटर हम लोग डेटाबेस को फिजिकल में, फिजिकल लेजर्स, बुक में या फिर पेपर में भी हम लोग रख सकते हैं. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल द रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में ही मेंटेन करना पड़ता है. अगर डेटा रिट्रीवल की बात करें तो डेटा रिट्रीवल फास्ट नहीं होता है, वी हैव टू डू मैनुअली यूजिंग सम प्रोग्राम इन केस ऑफ डेटाबेस. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सारा चीज क्वेरी के द्वारा लिखा हुआ होता है, इसीलिए ये डेटा रिट्रीवल जो होता है ये फास्ट होता है इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, स्पीड की बात करें तो स्पीड, क्योंकि डेटाबेस में स्पीड थोड़ा कम होता है, बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्पीड बहुत ज़्यादा होता है. वेरी क्विक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो होता है बहुत क्विक होता है. अगर एक्सेस की बात करें तो डेटाबेस आर नॉट डिजाइन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम डेटाबेस को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकल लेजर्स में होता है, बुक्स में होता है एंड एक्सेल फाइल में भी. मान लो कंप्यूटर में है हमारा, तो कंप्यूटर को हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग, इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन एक्सेस इट, राइट. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कैन एक्सेस द डेटा एट द सेम टाइम, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन एक्सेस द डेटा एट द सेम टाइम इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा मैन्युपुलेशन की बात करें तो डेटाबेस में वेरी लेस इंफॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाइड एट अ टाइम, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर जगह पे जाना होगा, फिर वहां पर मॉडिफाई करना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑल द मैनिपुलेशन एक ही पर्टिकुलर टाइम पे वेरियस नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी मॉडिफाइड एट अ पर्टिकुलर टाइम. मीन्स डेटा मैनिपुलेशन इज इजी इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो डेटाबेस जो है हमारा एंश्योर नहीं करता है, डेटाबेस डू नॉट एंश्योर दैट डेटा विल बी अवेलेबल आफ्टर फेलियर अराइजेस. अगर कोई फेलियर होता है, जैसे मान लो मेरा कॉपी खो जाता है, तो इट में बहुत डिफिकल्ट है कि वो कॉपी फिर से मिल जाए. इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कोई स्टोरेज है, कहीं पर हम डेटाबेस को रखे हुए हैं, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट वो फोल्डर डिलीट होने के बाद फिर से वो एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर कोई इवेंट फेलियर होता है, उसके बाद भी हमारा डेटा सिक्योर रहेगा. तो ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाद में रिविजन कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.